पूर्व मंत्री इमरती देवी का कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक शख्स से आंख फोड़ने की बात कह रही हैं। इस ऑडियो में इमरती देवी कह रही हैं, अब न बिजली लगेगी न बोरिंग होगी, जाओ विरोध करो। ऑडियो के वायरल होने के बाद इमरती देवी ने इसे फर्जी बताया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी की धमकी भरी बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डबरा के गांव में एक कार्यकर्ता ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन से गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने और बोरिंग करवाने की गुहार लगाई, तो जवाब अपेक्षा के विपरीत मिला, जिसमें पूर्व मंत्री से कार्यकर्ता ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप हमारी नेता हैं, गांव में ना तो बिजली आई है और ना ही बोरिंग हुआ है, हम परेशान हैं। जवाब में पूर्व मंत्री की आवाज सुनाई दे रही है कि अब ना तो गांव में बिजली लगेगी और ना ही बोरिंग करवाई जाएगी। का कह रहे थे, मुन्ना लाल की हालत देखी, इमरती देवी को जानते हो, तेरी आंखें फुड़वा देंगे, जाओ विरोध करो, हम आओ अब हवा खराब कर दो, न बोरिंग लगेगी न लाइट लगेगी। हेलो 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 हेलो, हाँ का कह रहे थे कि अंदर क्या कह रहे थे? तो मुन्ना लाल की हालत देखी, तुम इमरती देवी को जानते हो? नहीं, जा कह रहे, बहुत परेशान है, फुरवा देंगे, हवा बहुत खराब कर लगे मंत्री जी। आंदोलन नहीं जीतना, ना बोरिंग लगेगी तुम्हारे और ना लाइट लगेगी मुन्ना पठा में। हाँ नेताजी, हम जा कह रहे मंत्री जी का को जाट बन ने पीटो है, ठीक है, कौन पीटो बनने का बन है, लेकिन न्यूज तो हमने देख ली, नहीं बता रहे आप। नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइट, जाओ विरोध करो, हम आओ, हवा खराब और कर दो। हवा हम कहा खराब कर रहे हैं, तुम्हारे संग कोई ढोसा नहीं करा सकता, समझे, तुम्हारे साथ में रहे हो, करा रहे हो तो तुम्हारे बुद्ध ठीक है, मैं तो नहीं कराऊंगा। डीपी हो रही और बोरिंग तो आई रही थी, अब वो भी बंद, ठीक है बढ़िया। हेलो 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 हेलो, हाँ कह रहे थे कि अंदर से क्या कह रहे थे? तो मुन्ना लाल की हालत देखी, तुम इमरती देवी को जानते हो? नहीं, जा कह रहे, बहुत परेशान है, फुरवा देंगे, हवा बहुत खराब कर लगे मंत्री जी। आंदोलन नहीं जीतना, ना बोरिंग लगेगी तुम्हारे और ना लाइट लगेगी मुन्ना पठा में। हाँ नेताजी, हम जा कह रहे मंत्री जी का को जाट बन ने पीटो है, ठीक है, कौन पीटो बनने का बन है, लेकिन न्यूज तो हमने देख ली, नहीं बता रहे आप। नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइट, जाओ विरोध करो, हम आओ, हवा खराब और कर दो। हवा हम कहा खराब कर रहे हैं, तुम्हारे संग ही रहे हैं, कोई ढोसा नहीं करा सकता, समझे, तुम्हारे साथ में रहे हो, करा रहे हो तो तुम्हारे बुद्ध ठीक है, मैं तो नहीं कराऊंगा। डीपी हो रही और बोरिंग तो आई रही थी, अब वो भी बंद, ठीक है बढ़िया। हेलो 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 हेलो, हाँ कह रहे थे कि अंदर से क्या कह रहे थे? तो मुन्ना लाल की हालत देखी, तुम इमरती देवी को जानते हो? नहीं, जा कह रहे, बहुत परेशान है, फुरवा देंगे, हवा बहुत खराब कर लगे मंत्री जी। आंदोलन नहीं जीतना, ना बोरिंग लगेगी तुम्हारे और ना लाइट लगेगी मुन्ना पठा में। हाँ नेताजी, हम जा कह रहे मंत्री जी का को जाट बन ने पीटो है, ठीक है, कौन पीटो बनने का बन है, लेकिन न्यूज तो हमने देख ली, नहीं बता रहे आप। नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइट, जाओ विरोध करो, हम आओ, हवा खराब और कर दो। हवा हम कहा खराब कर रहे हैं, तुम्हारे संग ही रहे हैं, कोई ढोसा नहीं करा सकता, समझे, तुम्हारे साथ में रहे हो, करा रहे हो तो तुम्हारे बुद्ध ठीक है, मैं तो नहीं कराऊंगा। डीपी हो रही और बोरिंग तो आई रही थी, अब वो भी बंद, ठीक है बढ़िया। बातचीत का ये ऑडियो इमरती देवी, सुमन और कांग्रेस कार्यकर्ता पठा निवासी धर्मेंद्र बघेल का बताया गया है। ऑडियो को लेकर इमरती देवी का कहना है कि उनकी किसी कार्यकर्ता से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये भी ऑडियो वायरल हो रहा है, ये फर्जी है, वे भोपाल में है। मैं बताऊं, हम कभी किसी पर नहीं भलभलाते, ना हम कभी किसी से गुस्सा होते, हमसे 4 साल से लेके
बच्चा और 80 साल तक के बुजुर्ग हमसे प्यार करते हैं, सम्मान है उनका, सम्मान है सबका, हम बहुत अच्छे से करते हैं। कांग्रेस वाले खुद ही भड़बड़ा रहे, क्या बोले प्रत्याशी ढूंढा नहीं मिल रहा, तो वे क्या कहें जी, झूठी साची बातें बना के तो कहेंगे ना। आवाज नहीं है क्या वो? कौन की आवाज? हमारी कोई आवाज नहीं, सुन लेना आप। हालांकि कार्यकर्ता धर्मेंद्र बघेल का कहना है कि उसने सुबह इमरती देवी से बात की थी और बिजली व बोरिंग कराने की बात कही, तो उन्होंने समस्या तो नहीं सुनी बल्कि खरी खोटी सुना दी, धमकी भी दे रही हैं। गौरतलब है कि अगर यह ऑडियो पूर्व मंत्री इमरती देवी का हुआ तो इसका असर आगामी उपचुनाव पर पड़ सकता है। डबरा विधानसभा सीट पर इमरती देवी भाजपा के टिकट की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में बघेल समाज का अहम रोल है। पिछले विधानसभा चुनाव में बघेल समाज ने इमरती देवी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।